बच्चों, लास्ट वीडियो तक हमने बात कर ली थी दो क्लासों की। IUBN ने एंजाइम्स को, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने एंजाइम्स को छः क्लासों में डिवाइड किया था। छः क्लासों में क्या किया था इसने? डिवाइड किया था। इसमें से पहली दो क्लास हमने देख ली थी, इसमें हमने बात की ऑक्सीडो रिडक्टेज और ट्रांसफरेज की। ऑक्सीडो रिडक्टेज जो क्लास थी, इसमें हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से संबंधित से रिलेटेड जितनी भी रिएक्शंस थी इनको देखा था। और ये सारी की सारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो रिएक्शंस होती है रिडक्शन की जो रिएक्शंस होती हैं वो किस में आती है? ऑक्सीडो रिडक्टेज में आती है। सेकंड बात की हमने ट्रांसफरेजेस की। ट्रांसफरेज ऐसी कंडीशन है जिसमें से एक सबस्ट्रेट से कोई भी आयन या ग्रुप हटकर किस पे चल जाता है? किसी दूसरे सबस्ट्रेट पर चले जाता है। आयन या ग्रुप क्या हो जाता है? एक सबस्ट्रेट से किसी दूसरे सबस्ट्रेट पर ट्रांसफर हो जाता है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफरेजेस क्लास के अंदर हम लोग रखते हैं। जैसे कि हमने बात की थी एमिनो एसिड के लिए हमने समझी रिएक्शन ट्रांस एमिनेशन की, ठीक है ना। ट्रांस एमिनेशन जिसमें से एक अमीनो ग्रुप से दूसरे अमीनो ग्रुप पर क्या हो रहा था ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा था, ठीक है ना। बाकी आगे की रिएक्शन हम लोग देखते हैं। थर्ड नंबर पे आती है हमारे पास रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस की। हाइड्रो का मतलब हम हमेशा यूज़ में लेते हैं। हाइड्रो को ऐसी जगह यूज़ में लिया जाता है जहाँ पे हमको पानी की या वाटर मॉलिक्यूल की आवश्यकता होती है। हाइड्रो का मतलब भी यही होता है वाटर। हाइड्रो वर्ल्ड यूज़ में लिया जाता है हमेशा वाटर के लिए, ठीक है ना। तो कोई भी ऐसी कंडीशन जहाँ पर हमको क्या चाहिए होता है? पानी की आवश्यकता होती है। किसी भी ग्रुप के साथ या किसी भी सबस्ट्रेट के साथ हमको वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ना होता है हम लोग ऐसी रिएक्शंस को पढ़ते हैं हाइड्रोलाइसिस में, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे सिस एकोनेटिक एसिड ये बनता है क्रैब्स साइकिल के अंदर। इसमें हम लोग क्या करते हैं? वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ना है, जिससे हमारे पास, और ये सारे का सारा प्रोसेस होता है किसमें? हाइड्रोलाइसिस एंजाइम की प्रेजेंस में। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं एकोनिटेज क्या है? एक एंजाइम का नाम है जो कि हाइड्रोलाइस क्लास के अंदर आता है, जो कि क्या करता है? हाइड्रोलाइस क्लास के अंदर आता है। एकोनिटेज हमने यूज में लिया क्योंकि इसका नाम नॉमेनक्लेचर हमने पढ़ा तो वो किसके बेस पे था? सबस्ट्रेट के बेस पे था। एकोनिटिक एसिड था, एकोनिटिक से हमने बना दिया एकोनिटेज, जो कि क्या था? एक एंजाइम था। और एंजाइम की क्लास क्या हो जाए यहाँ पे? हाइड्रोलाइसिस क्लास हो जाएगी, जिससे हमारे पास क्या बन के आएगा? आइसोसिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो हम एक इस प्रकार से कह सकते हैं जहाँ पर हमको वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ना हो या वाटर मॉलिक्यूल को निकालना हो। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कि इसमें हाइड्रोलाइसिस में देख इस प्रकार से द एंजाइम्स ऑफ दिस क्लास द रिएक्शन इन्वॉल्विंग एडिशन एडिशन और रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, या तो क्या कर दे हम एडिशन कर दे जैसे कि ऊपर देखा हमने, या हम कर देते हैं रिमूवल, ठीक है ना। मतलब वाटर मॉलिक्यूल को हटा भी सकते हैं, ठीक है ना। वाटर मॉलिक्यूल क्या कर सकते थे हम लोग? हटा भी सकते थे। एडिशन ऑफ
एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज डन इन द प्रेजेंस does done in the presence of hydrolase enzyme. These enzymes break large molecules into molecules into smaller molecules molecules into large molecules into smaller molecules by addition of water molecules. वाटर मॉलिक्यूल्स जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं एमाइलेज की बात कर सकते थे, हम न्यूक्लियस की हम लोग बात कर सकते थे, एकोनिटेज की हम लोग बात कर सकते थे, एमाइलेज की, एमाइलेज क्या होता है, एक पॉलीसेक्राइड होता है, ठीक है ना, एस्ट्रेस के हम लोग बात कर सकते थे. तो ये तीनों चारों एंजाइम्स क्या आ सकते थे, इसमें आ सकते थे. फिर बात आती है फोर्थ नंबर पे, आते हैं हमारे पास लाइजेजेस, LYASES लाइजेजेस. ऐसे एंजाइम्स जो कि क्या करते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल को तोड़ने का काम करते हैं, दो इक्वल पार्ट्स में इसको तोड़ सकते हैं. जैसे कि हमने बात की थी एल्डोलेज एंजाइम की बात की थी, हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा है, ठीक है ना. ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन आती है, फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट, ठीक है ना. ये एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ये क्या करता है, एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, फ्रक्टोज क्या होता है, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, तीन तीन कार्बन मॉलिक्यूल क्या क्या कर देते हैं, दो कंपाउंड में टूट जाता है. फर्स्ट कंपाउंड होता है इसमें 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, प्लस डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. ये क्या होते हैं, दोनों तीन तीन कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, तीन तीन कार्बन के दोनों मॉलिक्यूल होते हैं. इनमें टूट जाता है कौन, फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट. फ्रक्टोज क्या होता है, 6 कार्बन का होता है, ये 3 कार्बन का, ये 3 कार्बन का, 3C 3C, ये 6C, दोनों मिलकर क्या बना सकते हैं, ये बना सकते हैं. तो ऐसा कोई भी एंजाइम, ऐसी एंजाइम की कोई भी क्लास जो कि किसी मॉलिक्यूल को या किसी सब्सट्रेट को दो इक्वल प्रोडक्ट में, इक्वल मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में तोड़ देती है, इसको हम लोग बोलते हैं किसमें, लाइजेजेस में पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं किसमें, लाइजेजेस में पढ़ते हैं, ठीक है ना. जैसे कि हम बात कर सकते थे दिस टाइप ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन वेयर डिसोसिएटेड मतलब तोड़ना टू रिलीज
को ग्रुप विदाउट हाइड्रोलाइसिस, बिना किसी वाटर मॉलिक्यूल के, बिना किसी वाटर मॉलिक्यूल के क्या करना, दो इक्वल पार्ट्स में सब्सट्रेट को, सब्सट्रेट के कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना, ठीक है ना, डिसोसिएट करना। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं एग्जांपल में, ऊपर भी लिखे एल्डोलेज, ऊपर हमने लिखी है कौन सी, एल्डोलेज की रिएक्शन लिखी है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट कंडीशन आती है हमारे पास, फिफ्थ नंबर पे कंडीशन आती है आइसोमरेज। आइसो का मतलब आपको पता है आइसोमेरिज्म से निकाला जाता है, जो कि फिक्स कार्बन मॉलिक्यूल का या फिक्स एटम पे कहीं काम करता है, उसके एक रूप से किसी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक रूप से किसी दूसरे रूप में चेंज करने में हेल्प करता है आइसो मरेजेज, ठीक है ना, आइसो मरेजेज। तो इसमें इस प्रकार से लिख सकते थे हम, जैसे इसकी रिएक्शन लिखी जाए, यदि इसकी यदि रिएक्शन लिखी जाए तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है आइसोमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में किसमें, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है किसी भी सबस्ट्रेट को, ठीक है ना, किसी भी ग्रुप को, या क्या करना, इंटरचेंज करना, उसके ही जो समावयवी है उसी के जो आइसोमर है उसमें क्या करना है, इंटरचेंज करना। ऐसे ग्रुप एंजाइम्स को हम लोग बोलते हैं आइसोमरेजेस के अंदर पढ़ते हैं, ऐसे एंजाइम्स को हम लोग पढ़ते हैं आइसोमरेजेस के अंदर पढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं दिस टाइप ऑफ एंजाइम्स कैटालाइजेस रिएक्शन दैट रीअरेंजेस द इंट्रामोलिकुलर अरेंजमेंट मॉलिकुलर अरेंजमेंट इन सबस्ट्रेट एंड चेंजेस द लाइट एंड चेंजेस द लाइट ओरिएंटेशन एंड चेंजेस द लाइट ओरिएंटेशन, ठीक है ना। इसका जो लाइट का ओरिएंटेशन होता है इसको क्या कर देता है, चेंज कर देता है। इसका जो लाइट इफेक्ट होता है, या कह सकते हैं हम लोग डी और एल ग्रुप पाए जाते हैं, इसको चेंज कर देता है। देयरफॉर एनी सबस्ट्रेट इज चेंज्ड इनटू ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग बात किया आइसोमरेज एंजाइम की। सिक्स नंबर पे आता है, सिक्स नंबर पे कंडीशन आती है किसकी, लाइगेजेस की, सिक्स नंबर पे कंडीशन आती है लाइगेजेस की। लाइगेजेस कोई भी ऐसा एंजाइम होता है, ऐसी क्लास होती है एंजाइम्स की जो कि क्या करती है, दो सबस्ट्रेट को जोड़कर किसी एक प्रोडक्ट के रूप में क्या कर देती है, जोड़ देती है। इसमें ए प्लस बी जुड़कर क्या बना देते हैं, सी बना देते हैं। इसमें ए प्लस बी जुड़कर क्या बना देते हैं, सी
बना देते हैं। ये दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? लाइगेज जो एंजाइम होता है ये इसको जोड़ने का काम करता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं क्रेब्स साइकिल में, हम लोग बात करते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड प्लस, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड प्लस एसिटाइल को एंजाइम ए, ये जुड़कर ठीक है ना, ये जुड़कर क्या बनाता है? सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। और ये काम करता है कि इसमें सिट्रेट सिंथेटेज, किसी भी चीज़ का सिंथेसिस करना, सिट्रेट सिंथेटेज। सिंथेटेज वर्ड कहाँ से है? सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन करना। इससे काम करता है, इससे क्या होता है? कोएंजाइम ए जो होता है यहाँ से बाहर निकल जाता है। ओके, तो मतलब ए ये हो गया ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, क्या कर रहा है? ए की तरह काम कर रहा है, बी की तरह काम कर रहा है यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम है। और जो प्रोडक्ट हमारे पास बन के आया है वो क्या हो गया? सी सिट्रिक एसिड के रूप में काम कर रहा है। तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम ए को, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम ए को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? लाइगेज एंजाइम, या लाइगेज एंजाइम की जो क्लासेस होती हैं ये कर रही हैं। जैसे कि हमने इसमें बात किया सिंथेटेज जो एंजाइम होता है ये इसको जोड़ने का काम करता है, या कह सकते हैं कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम हो, जो कि CO2 के एंटर प्रेजेंस में भी क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। दिस टाइप ऑफ एंजाइम्स कैटालाइजेस द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स आर associated by covalent bonds, ठीक है ना। ये क्या करती है? कोवेलेंट बॉन्ड को इन दोनों के, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या एसिटाइल कोएंजाइम, इन दोनों के कोवेलेंट बॉन्ड को, या कह सकते हैं ए और बी के कोवेलेंट बॉन्ड को जोड़ने का काम करती हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग बात कर सकते हैं पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, पाइरुवेट कार्बोक्सिलेट की बात कर सकते थे हम लोग। सिट्रेट ऊपर भी लिखा है हमने, सिट्रेट सिंथेटेज की बात कर सकते थे, सिट्रेट सिंथेटेज की भी हम लोग बात कर सकते थे। तो यहाँ क्या हो जाता है? आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है? आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। हमने इसकी 6 क्लासेस पढ़ी हैं। फर्स्ट थी ऑक्सीडो रिडक्टेज, फर्स्ट थी हमारे पास ऑक्सीडो रिडक्टेज, सेकेंड थी ट्रांसफरेजेस, थर्ड थी हाइड्रोलेजेस, फोर्थ थी लाइजेजेस, फिफ्थ थी आइसोमरेजेस एंड सिक्स थी लाइगेजेस, ठीक है ना। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।